एमपी चुनाव के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे सिंधिया समर्थक और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा का चुनाव प्रचार के दौरान एक युवक ने अंगूठा चबा डाला, जिसकी तस्वीर काफी वायरल हो रही है। जानकारों की माने तो मंत्री जी का अंगूठा चबाने वाला युवक मानसिक रूप से बीमार है, जिस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल इस घटना के बाद मंत्री ने संबंधित युवक के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। दरअसल राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा शनिवार को पोहरी विधानसभा क्षेत्र के छर्च की जाटव बस्ती में चुनाव प्रचार कर वोट मांगने पहुंचे थे। इसी दौरान मानसिक रूप से बीमार बताए जा रहे एक युवक ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष आशुतोष जमैनी पर हमला कर दिया। मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने जैसे ही मंडल अध्यक्ष को युवक के चंगुल से छुड़वाने की कोशिश की, तो युवक ने मंत्री का अंगूठा मुंह में लेकर चबा डाला, जिसके बाद लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि बाद में जैसे ही युवक के परिजनों ने राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा को बताया कि युवक मंदबुद्धि है, किसी पर अचानक ही हमला कर देता है, तो मंत्री ने युवक को पुलिस थाने से छुड़वाकर परिजनों को सौंप दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।